हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाज़ार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आता हूं, मार्केट आवर्स की बात डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है, और 3 कॉल्स ऐसे लेकर आता हूं आप लोगों के लिए जिसमें आप लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर पाएंगे विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइज़र भी नहीं हूँ, मैं खुद एक सेल ट्रेडर हूँ। मेरा जो व्यू बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर हेल्पिंग पर्पस मैं ये वीडियो डालता हूँ हर रोज़। तो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। आपके खुद के नॉलेज अगर हो उसके ऊपर ही आप ट्रेड कीजिए, खुद के रिस्क पर, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो ट्रेनिंग बैचेस रहता है वो कल से, यस्टरडे से एक नया बैच स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग मुझे अभी तक मैसेज कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये बैच तो चालू हो चुका है, नेक्स्ट बैच जो होगा 5 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। इस बैच पे बहुत सारे लोगों को सीट्स मैं नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होता है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट बैच यानी कि 5 अक्टूबर की बैचेस की बुकिंग अभी से शुरू हो गया है, चाहे तो उसको बुक कर सकते हैं। वहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन से लेकर नया इंट्राडे स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, सारे चीज़ें कवर करता हूँ। उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस सच एज चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारे चीज़ें रहते हैं। तो चाहे तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है दोस्तों, कम से कम फीस है, सो आप सब उसको अवेल कर पाएंगे, ऐसे ही कम फीस है, ठीक है। तो चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको बुक कीजिए, क्योंकि सीट्स फिर से लिमिटेड होगा, तो अभी से बुक कर लीजिए आपका सीट, ठीक है। तो लास्ट डे मैंने जो 3 कॉल दिया था उसको पहले रिव्यू कर लेते हैं। तो आज तो आप लोगों को पता है क्या हुआ मार्केट में। हाँ, तो पहले जो फर्स्ट कॉल मैंने दिया था, DLF का बाई कॉल दिया था, ठीक है। तो फास्ट मॉर्निंग में वो एक्टिव हुआ था और यहाँ पर एक्टिव हुआ था। वो लेवल मैंने दिया था 160 के आसपास से बाई के लिए, और उसके बाद DLF बाइंग के बाद 162.3 का हाई देखे गया, यानी कि अच्छा खासा 1-1.5% तक की प्रॉफिट देखे गया। तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ये तो काफ़ी होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट मिला है। उसके बाद तो मार्केट गिर गया, तो किसी के हाथ पे नहीं, एक न्यूज़ आ गया था, ठीक है, बैंकिंग कुछ दिक्कत हुआ है, कुछ बैंक्स के बारे में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ न्यूज़ आया है, इसके लिए पूरा मार्केट, बैंक निफ्टी पूरा गिर गया, ठीक है। तो उसके बाद मेरा जो कॉल था दोस्तों, वो था लूपिन में बाई कॉल था। तो मैंने बोला था इसको बाई करने के लिए अबव 1090, लेकिन ये लेवल में हम लोगों को देखने को नहीं मिला, पूरा दिन इसके नीचे ही ट्रेड किया और इसमें एक्टिवेशन नहीं हुआ। सेकंड कॉल ये था, और थर्ड कॉल जो था कोटक बैंक में सेल कॉल था। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोटक बैंक ओपन तो हुआ पॉजिटिव नोट पर, उसके बाद लगातार गिरावट हुआ और 1281.85 का क्लोजिंग हुआ है इसमें, और लो दिया है 1080 का, ठीक है, सॉरी 1280 का। तो इसमें भी ह्यूज प्रॉफिट हुआ है जो लोग ऊपर से सेल कर पाए, और जो लोग नहीं कर पाए उन लोगों के लिए मैं बार बार बोल देता हूँ दोस्तों, अगर पॉजिटिव है मार्केट कभी पॉजिटिव है तो उसमें सेल में मत घुसिए, जब नेगेटिव है उसमें ही सेल करना अच्छा रहता है, वो भी मैं बोल दिया था। तो मार्केट नेगेटिव होने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गया, तो ये सारे चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है तो अलग बात है, तो उस पर तो आपका डिसीशन है, लेकिन ये सारे चीज़ जो मैं सिखाता हूँ, चाहे तो उसको आप सीख सकते हैं और ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट से। तो ये था दोस्तों लास्ट डे का मेरा 3 कॉल, फ्राइडे को मैंने दिया था, चाहे तो ओल्ड वीडियो जाके आप देख सकते हैं, फ्राइडे का वीडियो, ठीक है। तो आज का जो 3 कॉल है वो डिस्कस कर लूँगा। उसके पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिचुएशन आज बता देते हैं। निफ्टी में आज जो हुआ दोस्तों, बहुत ही ख़राब हुआ, ठीक है। पहले बात तो ये है, निफ्टी में आज का ओपन रहा था 11,503, उसके बाद जो हाई दिया 11,534.75 का,
और लगातार उसके बाद गिरावट शुरू हुआ और 11,220 में क्लोज़ हुआ है निफ्टी। ये सारे लेवल्स को टूट गया, ठीक है, सारे जो सपोर्ट था इसके नीचे जाके आज क्लोजिंग दिया है निफ्टी में। लग रहा है अभी थोड़ा वीकनेस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल डिलीवरी के लिए तो कोई कॉल नहीं बनता है, मतलब पोजीशन तो नहीं बनता है, लेकिन इंट्राडे में अगर कल ओपन होता है गैप अप तो हम लोग बाई कर सकते हैं, वो मैं दे दूंगा आप लोगों को कॉल्स, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आज जो हुआ वो तो ख़तरनाक चीज़ हो गया आज, आपको पता है बैंक निफ्टी में क्या हो गया आज। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में आज का जो हाई था वो था 22,094.2 का और लो हुआ 21,278 का, इसका भी सारे लेवल्स ब्रेक हो गया। ये तो पहले दिन भी मैंने बताया था बैंक निफ्टी में वीकनेस है, तो वैसे ही हुआ है आज, नीचे चला आया पूरा एकदम गिरावट, और भी थोड़ा नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से, मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ठीक नहीं है, इससे थोड़ा नीचे और जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे सपोर्ट जो था सब ब्रेक हो चुका है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कल के लिए जो तीन कॉल है दोस्तों वो आप डिस्कस कर लेंगे। फास्ट कॉल जो है हम लोगों का HDFC बैंक में है, ठीक है, इसमें तो आज लगातार डाउनफॉल हुआ है क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना गिरावट हुआ है, लेकिन फिर भी HDFC में उतना डाउनफॉल नहीं हुआ है। इसका हाई था 1071.25 का, लो दिया है 1041.5 और जो कि क्लोजिंग हुआ है वो 1042.25 का, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का बाई कॉल है ध्यान से सुन लीजिए, बाद में मत बताइएगा कि मैंने नहीं बताया। अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव ओपन होते तो ही हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, बाई कॉल है इसलिए, ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे, नेगेटिव में है तो, ठीक है। तो इसमें जो बाई कॉल है मेरा HDFC बैंक में 1055 की ऊपर से बाई करेंगे, अभी जो ट्रेड लास्ट क्लोज हुआ है वो है 1042, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, बाई करेंगे 1055 की ऊपर से, ओनली दैट लेवल। स्टॉप लॉस होगा 1029, टारगेट होगा 1090। HDFC बैंक बाय नियर 1055 बाय अबव, स्टॉप लॉस 1029, टारगेट 1090, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल, और दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, ठीक है। और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक तो करेंगे, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ मैं आता हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे कॉल लेके, ठीक है। तो सेकेंड कॉल जो है दोस्तों वो है हिंदुस्तान लीवर में, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर हाल जो पता है आप लोगों को, आज का जो इसका हाई बना था 2099 का, लो दिया 2022.1 का और क्लोजिंग हुआ है 2034.5 में, ठीक है। तो इसमें तो अभी तो लग तो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है, तो अगर कल निफ्टी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो ही हम लोग इसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। इसका भी जो बाई कॉल है ये है लेवल 2030 का, स्टॉप लॉस होगा 2198 का, टारगेट होगा 2100 का। HUL हाल हिंदुस्तान लीवर बाई नियर 2030, स्टॉप लॉस 2198, टारगेट 1998 स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 2100, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदुस्तान लीवर बाई नियर 2030, स्टॉप लॉस 1998, टारगेट 2100, ठीक है। और दोस्तों फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन इंट्राडे को लेकर रहता है, सारे चीज़ें सिखाता हूँ वहाँ पर, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे उस पर ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, सारे चीज़ें रहता है, ऑप्शन ट्रेड रहता है, चार्ट रीडिंग रहता है, टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें रहता है। ये बैच चालू हो चुका है, नेक्स्ट बैच जो है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे सीट्स अभी से बुक्ड, एक्चुअली लास्ट जो बैच था वहाँ पर मैं एकोमोडेशन नहीं दे पाया तो उन लोगों ने नेक्स्ट बैच पर शिफ्ट हो गया, तो चाहे तो अभी से बुकिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि
लास्ट में जाके हर बैच की तरह इसमें सीट्स नहीं रहता है, और फीस जो है दोस्तों कम से कम है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बुक कर लीजिए आपका सीट, ठीक है। सीखिए पहले, उसके बाद ट्रेडिंग में इनकम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड कॉल जो है दोस्तों वो है सिप्ला का, ठीक है। सिप्ला में भी आज गिरावट हुआ तो आपको पता है, क्योंकि निफ्टी पूरा गिर गया। सिप्ला का आज का जो हाई था 811.7 का, लो था 762.5 का, और क्लोजिंग हुआ है 766.9 में, ठीक है। तो दोस्तों सिप्ला में जो मेरा बाई कॉल है वो है बाई अबव 768, स्टॉप लॉस 740, टारगेट 792। सिप्ला बाई नियर 768, स्टॉप लॉस 740, टारगेट 792, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर कल बहुत ही नीचे ओपन हुआ निफ्टी में, नीचे चला गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ये सारे चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगर ऐसे डाउनफॉल होगी या फिर से पैनिक, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का तीन कॉल। वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।